ऐसा है, स्टंटबाजी और नाटक करते करते इंसान ऐसा करता है जिसके दिमाग में कोई मुद्दे को लेकर आखिरी अंजाम तक पहुंचाने से ज़्यादा आप प्रसार माध्यम के से हम उसको कैसा प्रसिद्धि में जाए, कैसे मीडिया के सामने मैं कुछ हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, यही आज साबित हुआ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का फोटो फाड़ा गया और बाद में बहुत ही बेशर्मी से कह रहे हो कि फटा, वो तो मनुस्मृति लिखा था, एक छोटा सा फोटो था। फोटो फोटो है, जिसका कोई धर्म नहीं है, किसके जो इंसान को हर एक जन इज्जत देता है वो कोई भी धर्म का हो, क्योंकि उसने ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी एक देन हमको, एक कायदे की किताब हमको दी हुई है कि इस हिंदुस्तान को, कि उसके अंदर से छोटी मोटी दिन की इसमें किए जाते हैं, उसका बेस चेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसे इंसान का फोटो फाड़ने को बोलते, हाँ किया, मैं नतमस्तक होता हूँ, मैं उसको माफ़ी मांगता हूँ, तो वो भी एक एक्टिंग जिसकी बुनियाद हमेशा झूठ पे रही। वो डॉक्टरेट तो है ही नहीं, हमने तो पहले ही कहा है वो झूठे डॉक्टर है, तो वो डॉक्टरेट स्टंटबाजी में लिए होते, एक्टिंग में लिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता था। तो उसका हमने निषेध किया है, पूरे महाराष्ट्र भर में निषेध किया है, उनकी माफ़ी चलेंगी नहीं। हमने सरकार से उस मामले को गंभीर रूप से हमने गुनाह दाखिल करने की मांग की है। आपके हाथ में फ़ोटो होता है, आपका मीडिया चलाने वाला एक शख्स उधर आके आपके सर पे हाथ रख के कह रहा है और आपको उसको खुन्नस से देख रहे, तो आपको, आप क्या कर रहे हो, आपको आपके आप पे, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, वो क्या आगे नुमाइंदगी करेगा। कहता हूँ ना कि हमारे हाथ में क्या है, वो एक जिम्मेदारी होती है। जब सियासत के अंदर आपको ओहदे मिलते हैं, आपको एक आंदोलन करते हो तो बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं, हम जो मोर्चे निकाल रहे हैं, हम जो विरोध कर रहे हैं, तो वो कायदे संविधान के अंदर है, किसी जात समाज को कोई ठेस नहीं पहुँचे। और ये महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का पे पड़ा हुआ है और बिंदास फाड़ रहे, चलाने गए थे मनुस्मृति, जिसका तो सरकार में अजीत दादा ने पहले ही बयान किया कि वो सरकार के कोई किताबों में नहीं आएगा, तो भी फिर से मैं कुछ करूं, मैं करूँ क्या, घर में बैठे हैं, प्रचार में किसी ने बुलाया नहीं, हर उम्मीदवार ने मना किया था, तो घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ करना है। तो जिम्मेदार इंसान, आपको अल्लाह ने नवाजा तो बहुत बड़े बड़े ओहदों से, लोगों ने मोहब्बत से नवाजा, बट बेजिम्मेदारी से जो आप ये करते हैं, ये इंसान की फितरत बताती है, इंसान का झूठेपना दिखाता है कि वो कितना मुद्दों से गंभीर है और कितना मुद्दों में हल्के में लेता है। मगर मैं कहता हूँ कि जो उनकी लापरवाही है उसकी सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए कानून के तहत, और हमने सरकार से डिमांड की है कि गुनाह दाखिल होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की परवाह भी तो कल से कोई भी, हमारे जो आदर है बाबा साहेब का इस हर एक के हिंदुस्तानियों के दिल में, फिर कोई भी फाड़ेगा और बोलेगा नतमस्तक होता हूँ मैं, ये तो बेशर्मी की हद हो गई।